नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद रेनु बाला। आज हम एक ऐसा टोस्ट बनाने जा रहे हैं जो सोया चंक्स के साथ है, नुट्रिला के साथ है। उसमें पनीर है, हरी सब्जी है और ढेर सारा सैलिड है। तो एक चंकी चाट मसाला चाहिए, नुट्रिला, सोया चंक्स, जो हमने इसका लिंक आप मेरी नुट्रिला की सब्जी में देख सकते हैं कि कैसे बनाना है। और हरी चटनी का लिंक भी आप मैंने डाला हुआ है, हरी चटनी कैसे बनाएं। दोनों चीज़ें आप मेरी अलग वीडियोस पढ़ी हैं, उसमें से देख लें। तो अब हमें क्या क्या चाहिए, नुट्रिला, सोया चंक्स, पनीर, कॉटेज पनीर, बरी कटी हुई पत्ता गोभी, कैबेज, टमाटो स्लाइसिस और हरी चटनी, चंकी चाट मसाला, थोड़ा सा ऑयल टोस्ट को ग्रीस करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, मैं आपको एक बार में दो टोस्ट तैयार होते हैं उसके लिए बता रही हूँ कितना चाहिए। दो सर्विंग स्पून चाहिए हमें नुट्रिला सोया चंक्स की सब्जी, जो मैंने उसे अच्छी तरह हम मैश कर लेंगे। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, ऐसे हम इसे इसमें फिल कर देंगे थोड़ा, और ये पौष्टिक भी बहुत होती है। एक टोस्ट पे हमने ऐसे चटनी लगा लेनी है, फिर इसके ऊपर हम लगाएंगे अपनी स्लाइस पनीर के, इससे कवर कर देंगे, और इसके ऊपर लगाएंगे हरी चटनी, थोड़ा डालेंगे सैलिड और इसे एक दूसरे ब्रेड से कवर कर देंगे। मैंने और थोड़ा डालेंगे इसमें चंकी चाट मसाला, इसे प्री हीटेड टोस्टर में हम ऐसे रख देंगे। ऐसे ही दूसरा हम टोस्टर तैयार करेंगे, ब्रेड टोस्ट तैयार कर लेंगे फिलिंग करके नुट्रिला की, सोया चंक्स की। अच्छी तरह से आप फिल कर दीजिए, क्योंकि जो टोस्टर रहता है, अब इसे करेंगे पनीर रखेंगे, पनीर को करेंगे कवर हरी चटनी से, बिल्कुल भी आप टोस्ट की साइड खाली ना छोड़ें, अच्छी तरह फिल कर दें। इसके ऊपर डालेंगे हम अपना सैलिड और फिर डालेंगे अपना चंकी चाट मसाला और दूसरे ब्रेड से कर देंगे कवर, और उसकी दूसरी इस साइड पे हम लगाएंगे ऑयल या बटर, जो भी आपको पसंद हो। क्योंकि मैंने टोस्टर को ग्रीस नहीं किया था, मैं इसे पहले प्री हीट कर चुकी थी, वो गर्म था, इसलिए मैंने तो ब्रेड स्लाइस पे ही ऑयल लगा लिया। हमारे टोस्टर ने रेड सिग्नल दे दिया है, अब हम इसे चेक करते हैं। ये बनकर बहुत अच्छे तैयार हुए हैं हमारे सोया चंक्स टोस्ट, ब्रेड टोस्ट विद सोया चंक्स, सैंडविच भी क्या हम इसे कह सकते हैं, सोया चंक्स के सैंडविच। हम धीरे धीरे इसे बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि जो आटा ब्रेड रहती है वो ज़्यादा सॉफ्ट होती है मैदे की ब्रेड से। हमारे टोस्ट है जो बनकर बिल्कुल रेडी है। आप इसे, मैं आपको काट कर भी एक दिखाती हूँ कि किस प्रकार से ये बने हैं। देखिए, ये इस प्रकार से हमारा बिल्कुल बना है, बहुत अच्छा टोस्ट बनी है। आप ढेर सारे सैलिड के साथ इसे सर्व कीजिए और इंजॉय कीजिए। ये बहुत हेल्दी है, क्योंकि इसमें पनीर है, सोया चंक्स है, ये प्रोटीन की लिहाज से बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच है। आप भी इसी प्रकार से सोया टोस्ट, सोया चंक टोस्ट बनाइए और इंजॉय कीजिए। Thanks very much. Please subscribe, like, share and comment for my video. Lots of thanks.